लोरमी एसडीएम की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन करते साथ ट्रैक्टर किए जब्त। लोरमी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का मामला जोरों से फल फूल रहा है, जिसके चलते नदी नाले का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। जिला खनिज प्रशासन के उदासीनता के चलते रेत माफिया बेखौफ रेत से तेल निकालने के धंधा में मशगूल हैं। हालांकि आज लोरमी अनुविभागीय अधिकारी मेनका प्रधान और नायब तहसीलदार राहुल कौशिक के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 7 अवैध रूप से रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को पकड़कर जब्ती कार्यवाही की गई। फिर भी प्रशासन अवैध रूप से रेत उत्खनन में अंकुश लगाने में बौने साबित हो रहे हैं, जिसका उदाहरण यह वीडियो फुटेज देखकर लगाया जा सकता है, जो पैजनियन नवागांव नदी का है, जहां पर खुलेआम नदी से रेत निकाले जा रहे हैं और डंप इकट्ठे कर खरीदारों से दोगुने रेट पर बेचते हुए राशि वसूली जा रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध उत्खनन पर कार्यवाही करने सख्त आदेश जारी किया है, तो वही जिला खनिज प्रशासन के कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। और इधर लोरमी क्षेत्र के कई जगह पर रेत माफिया अवैध उत्खनन को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। वहीं आज घानाघाट, उरई कछार, डोंगरिया, लाखासार सहित अलग अलग अवैध रूप से रेत परिवहन करते ट्रैक्टर को जब्त की गई है और जब्ती कार्यवाही करते हुए थाना के सुपुर्द करने की जानकारी नायब तहसीलदार राहुल कौशिक ने दी है। अवैध रेत घाट है, जहाँ से रेत उत्खनन किया जाता है, जैसे घानाघाट है, उरई कछार है और दरवाजा है, कंसरी है, लाखापुरी है। यहाँ सप्ताह में जब भी समय मिलता है तब एसडीएम मैडम और मेरे द्वारा कार्रवाई की थी। तो आज की कार्रवाई में हम लोग 7 ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिसमें से 7 का जब्ती नामा बनाकर सुपुर्दगी देने के लिए अभी थाना भेजा जा रहा है। अभी पैजनिया के संबंध में तो जानकारी नहीं मिली है, अगर उससे संबंधित कोई शिकायत मिलती है तो उसमें कार्रवाई करेंगे, और अभी संज्ञान में ले लिए हैं उसको, आपके द्वारा बताया गया तो उसमें कार्रवाई करेंगे। लोरमी से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।